हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे देख के मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। और मैंने पिछले वीडियो में मावे के गुलाब जामुन बनाए थे, वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मार्केट्स में आसानी से मिल जाते हैं ये पैकेट, तो मैं यहाँ पे रेडीमेड बना रही हूँ। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो देखिए, मैं इनको अच्छे से छान लूँगी और बस आटे जैसा लगाना है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके पानी डालती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी, बस हाथों की सहायता से। बहुत ही सॉफ्ट इनको गूंदना है, तो बस ऐसे ही गूंद लेंगे आटे के जैसे। और 5 मिनट के लिए इनको रख देंगे, फिर उसके बाद में अच्छे से फिर से दोबारा इनको मल लेंगे हाथों की सहायता से। धीरे धीरे इनको मल लेंगे और इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनाए। तो देखिए, मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म हो रही है और हल्की आँच में ही इनको फ्राई करने हैं। तो यहाँ पे गुलाब जामुन का साइज देखिए, मैंने मीडियम साइज लिया है। आप अपने हिसाब से, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारे एक साथ ही बना के रख लिए थे। और बस कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है और बस धीरे धीरे ही इनको फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक सिक जाए। तो यहाँ पे देखिए, हल्की आंच में ही सेकेंगे। तो यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से इनको चलाते जाएंगे, उलटते पलटते जाएंगे ताकि अंदर तक पूरे सिक जाएं। और यहाँ पे देखिए, चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है, तो बस ये हल्के ब्राउन हो जाएं और इनको निकाल के चाशनी में रख देंगे 5 मिनट के लिए। थोड़ा बाहर रख के फिर डालेंगे, गरम नहीं डालेंगे। गरम डालने से हो सकता है गल जाए, तो मैं गरम नहीं डालती हूँ। और बस अब ये देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं, तो कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। और जितने बढ़िया दिखने में लग रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा खाने में लग रहे थे टेस्टी। तो देखिए, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने गुलाब जामुन। मेरे तो बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत लाजवाब। तो देखिए, बन के सारे गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं। और देखिए, बचे हुए जो गुलाब जामुन रखे हैं उनको भी फ्राई कर लेती हूँ। और बस धीमी आंच में वैसे ही इनको भी फ्राई करना है, हल्की आंच में धीरे धीरे। और जो मेरे फ्राई हुए रखे हैं गुलाब जामुन, वो ठंडे हो चुके हैं, तो उनको मैं चाशनी में डाल देती हूँ। तो देखिए, मैं चाशनी में डाल रही हूँ, कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। और अभी 5 मिनट बाद देखिएगा, गल जाएंगे, बहुत ही खाने योग्य जाएंगे। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी बन गए हैं। और इनको भी फ्राई करके इनको भी 5 मिनट के लिए रख दूंगी और फिर मैं डाल दूंगी चाशनी में। तो बस बन के रेडी हो चुके हैं। आइए, आप भी खा लीजिए आके गुलाब जामुन ता गरम गरम और ताजे ताजे, आप भी खाइए आके। आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने गुलाब जामुन। और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर नए हो आप चैनल पे। तो देखिए, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। चलो पानी लो। आपको पीना है वॉटर? हाँ, पीना है। हाँ, ले लो। आप
एक गिलास भर के ले चलना। Now I'm going to watch. हेलो, तो देखिए डिनर हमारा हो चुका है, रात के 9 बज रहे हैं और अभी मैं बर्तन धुल के आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी और यहाँ पे ये लेटे हुए अपने पैर सेंक रहे हैं, इनको बहुत ठंडी लग रही है, इनको तो बैठे बैठे ही ठंडी लगती रहती है, तो ये बोल रहे हैं मम्मी मैं पैर में मेरी ठंडी लग रही है, तो मैंने कहा ठीक है मुझे तो हाथ में, तो क्योंकि ठंडे पानी से बर्तन धुल के आने से बर्तन धुलने से बहुत ही ठंडी लगती है, तो देखिए ये अपना पैर सेक रहे हैं और मैं हाथ सेक रही हूँ, और ये मेरे हस्बैंड गए हुए हैं मूंगफली लेने, इनको मेरे बेटे का मन हो रहा था मूंगफली खाने का, तो मैंने कहा चाहिए आप मूंगफली लेके आइए, ये नीचे गए हुए हैं मूंगफली लेने, अभी मूंगफली लेके आएंगे, फिर मैं तो बस बिस्तर में क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है और ये लोग बैठ के अपना मूंगफली खाएंगे। और तो चलिए आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आई, यहाँ पे देखिए ये टीवी देख रहे हैं, इनका कार्टून चलता रहेगा और अभी तो मैं